वेलकम बैक गाइस, आप लोग देख रहे हैं स्टोक क्लचिंग की नई वीडियो, जिसमें हम लोग वन चंक सर्वाइवल में लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था अपना नेदरराइट का आर्मर, इंचेंटेड टूल्स और हॉर्स को टेम किया था गाइस हम लोगों ने। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया था कि आज की वीडियो में हम लोग बनाने लगे कि रेड फार्म, क्योंकि हमारे मार्केट प्लेस में एक पिलेजर स्पॉन होता है जो कि बैनर ले रहता है और वो हम लोग को बैड ओमिन इफेक्ट देता है। और लास्ट टाइम गाइस कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है कि इधर पर से मेरे विलेजर्स कहाँ गए, तो गाइस तो उन लोगों ने मुझे बताया है, तो वो लोग बताए थे मुझे ट्राइडेंट की वजह से वो मर चुके हैं, क्योंकि मुझे भी पता था डैमेज एक बार घला है, तो फिर सारे दोनों मर चुके हैं और आज हम लोग को एक विलेजर चाहिए है, तो वो विलेजर होने वाला है हम लोगों का ये वाला, क्योंकि इधर पर गाइस कम से कम 150 ब्लॉक्स दूर मुझसे होने चाहिए सारे विलेजर्स। तो इधर पर तो मैंने दूर कर दिए, इसलिए विलेजर दूर मैंने बनाया है ट्रेडिंग हॉल। तो इधर पर गाइस मैं स्पॉन होता हूँ जब मैं लेके आता हूँ बैड ओमेन का इफेक्ट। तो गाइस मैंने सोचा है कि मैं इस तरफ बनाऊँगा, तो देखता हूँ मैं कितने ब्लॉक्स दूर जाने वाला हूँ और इधर पर मैं फास्टेस्ट वे टू ट्रैवल करूँगा। तो गाइस आज की वीडियो हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं काम करता हूँ, जो कि ये हमारा ये ब्रीडिंग हॉल है, मतलब कि जो ब्रीडिंग सेंटर है विलेजर्स का, इसको मैं कम्प्लीटली फिल कर देता हूँ, क्योंकि इधर पर मैं बनाने वाला हूँ एक बीकन जल्दी ही, क्योंकि अब हम लोग मारेंगे कुछ दिनों में विदर को भी, लेकिन आज नहीं, लेकिन हम लोग जल्दी ही मारने वाले हैं विदर को भी। तो आज की वीडियो को पहले तो हम लोग चलते हैं स्टार्ट, इसको फिल करते हैं और गाइस मैं देखता हूँ इसको मैं कितना दूर ले जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे ग्लास में ही बनाने वाला हूँ मैं। तो गाइस मैं जल्दी से इतना काम कर लेता हूँ। पहला काम है हमारा कि कितना दूर हम लोग को बनाना है, उसको बिल्ड करना, दूसरा है हमें इसे फिल करना है। तो इतना काम मैं कर लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस मैंने ये पूरा एरिया फिल कर दिया है और इधर पर मैंने दो एक बेड और एक लगा रही है कंपोस्टर, और इधर पे गाइस मैंने 200 ब्लॉक्स दूरी तक का गाइस मैंने बना दिया है ये ट्रैक। तो ये अभी आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये तो गाइस ये रहा हम लोग का ट्रैक और ये 200 ब्लॉक्स दूर तक जा रहा है। तो गाइस बहुत टाइम लगता है, इसीलिए मैंने इस पार्ट को आप लोगों से पहले ही कह दिया था कि मैं बना देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे एक घंटा लग गया है गाइस इसको बनाने में, क्योंकि पहले मुझे स्मेल्ट करना पड़ा, ग्लास लेकर आना पड़ा, तो गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। और गाइस फिर मैंने बना लिए थोड़े से स्मूथ स्टोन, तो गाइस 64 और पड़े हैं मेरे पास, तो गाइस अभी थोड़े से और मैं बनाने रख देता हूँ, क्योंकि गाइस इससे आप लोगों को काउंटिंग का सही रहेगा। या फिर गाइस मैं एक काम करता हूँ, गाइस मैं ले लेता हूँ स्टोन, तो थोड़ा स्टोन दिखने में भी अच्छा लगता है। तो गाइस मैं एक काम करता हूँ, स्टोन ही लेने देता हूँ, तो बाकी मैं अब जल्दी से कर लेता हूँ थोड़ी कॉबलस्टोन की माइनिंग, और फिर आप लोगों से सीधा मिलता हूँ जो जो मुझे सामान चाहिए 200 ब्लॉक्स दूर, जो कि ये बात लेके जा रहा है, जो 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 सामान कलेक्ट करना था मैंने सारा का सारा स्मेल्ट वगैरह सब कुछ कर लिया है, थोड़ा सा ग्लास भी मैंने ले लिया है। तो अब हम लोग चलते हैं जल्दी से और बना लेते हैं अपना रेड फार्म। तो उसके लिए पहले तो मुझे जाना पड़ेगा माइनकार्ट में बैठना पड़ेगा, और ये बट थोड़ा सा मुझे पीछे भी जाना पड़ेगा और ये बटन दबाना पड़ेगा, तो हम लोग सीधे बढ़ेंगे आएंगे। तो गाइस मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा भी देता हूँ मैंने सामान क्या क्या लिया है। और गाइस सिंगल ट्रैक मैंने बनाया है, क्योंकि इधर पर सिर्फ मुझे रेड के लिए ही जाना पड़ेगा, तो मैं माइंड कार्ड वापस तो लेकर आऊँगा ही, तो इधर पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइस इधर पर और एक मैं बेड भी लगा दूँ, जिससे कि मैं रिस्पॉन पॉइंट सेट कर सकूँ। तो ये सारा सामान मैं लेकर आया हूँ, और स्प्रूस की दो स्टैक लगभग लीव्स लेकर आया हूँ, और थोड़ा सा रखा रह गया सामान, ठीक है। और अब हम लोग आ चुके, तो अब हम थोड़ा सा चिपका लेते हैं, और अब इधर से हम लोग बना लेते हैं पहले कलेक्शन सिस्टम, क्योंकि कलेक्शन सिस्टम बहुत मुश्किल होता है बनाना, क्योंकि कई कलेक्शन सिस्टम में अपन लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या कैसा करना चाहिए। तो इसको मैं 3 ब्लॉक है और 2 ब्लॉक और एक्सटेंड मैं भी कर देता हूँ, तो गाइस मैंने प्लेटफॉर्म बना दिया है। अब हम लोग जल्दी से चेस्ट और हॉपर का काम शुरू कर लेते हैं। तो मैंने चेस्ट और हॉपर ले लिए हैं। अब हम लोगों को करना क्या है,
इधर से हम लोग पहले तो खड़े होते हैं और इधर पर हम लोग आ चुके हैं इधर पर। अब इधर से दो ब्लॉक छोड़कर एक चेस्ट रखते हैं हम लोग और दूसरी चेस्ट हम लोग रखते हैं इधर पर। अब पीछे से हम लोग जो कलेक्शन सिस्टम जैसा हम लोग बनाते हैं सर्वाइवल सीरीज में, तो एक चेस्ट इधर पर और फिर दूसरी चेस्ट भी इधर पर। अब हम लोग इधर पर एक चेस्ट रखेंगे इधर पर और इसको अटैच कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम लोग एक चेस्ट इधर पर रख देते हैं और गाइस ऐसे हम लोग बना देते हैं एक और लेयर। तो गाइस इधर पर भी मैंने रख दिया। अब हम लोग इधर पर भी लगा देते हैं एक एक चेस्ट। तो गाइस मैं एक काम करता हूँ इधर पर रहने देता हूँ सिंगल चेस्ट क्योंकि हम लोगों को किलिंग भी चाहिए है। तो इधर पर एक इधर पर मैं लगा देता हूँ। तो गाइस थोड़ा सा मुझे ऊपर भी जाना पड़ेगा मारने के लिए, तो इधर पर मैं लगा रहा हूँ चार टोटल। तो एक और गाइस अब इधर पर करने के बाद हम लोग एक इधर पर और लगा देते हैं। तो गाइस टोटल ऐसे हम लोग बनाया है। अब हम लोग ऊपर जाएंगे इधर से कुछ ब्लॉक्स ऊपर, तो देखते हैं हम लोग कितने ब्लॉक ऊपर जाने वाले हैं। और एक काम करता हूँ गाइस मैं जो कि है इस को तोड़ना। और एक मैं इधर पे ही लगा देता हूँ क्योंकि गाइस इधर पर मैं बनाने वाला हूँ सिर्फ आगे ही सामान गिरेगा और इधर पर मैं पूरा कम्प्लीटली फुल करने वाला हूँ। तो इधर से हम लोगों को जाना है 22 ब्लॉक ऊपर। तो इधर पर मैं निकाल लेता हूँ ब्लॉक्स पूरे में और इधर पर रखता हूँ मैं एक ब्लॉक इधर। और गाइस वन ब्लॉक हम लोगों का यहीं पर हो चुका है और सिर्फ आगे का ही मुझे खुला छोड़ना है, बाकी मुझे पूरा पैक कर देना है। तो इधर पर एक ब्लॉक मैंने लगा दिया है, एक ब्लॉक इधर पर और फिर गाइस एक ब्लॉक मैं ऊपर और लेकर जाता हूँ। और बस अब हम लोगों को जाना है इधर से, टू ब्लॉक हो चुके हैं हम लोगों के। अब इधर पर हम लोगों को जाना है टोटल 20 ब्लॉक ऊपर। तो चलते हैं हम लोग 20 ब्लॉक ऊपर। तो गाइस मैंने इधर पर बना दिया एक प्लेटफॉर्म जो कि आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस एक 4x4 का प्लेटफॉर्म है, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 और इधर से 1 2 3। गाइस ऐसे आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म बना देना है ऊपर आकर गाइस। और इधर पर मैं 20 ब्लॉक्स आप लोगों को काउंट कराकर आया हूँ। तो अब इधर पर गाइस मैंने प्लेटफॉर्म बना दिया है और अब इधर पर कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म लगेगा और 4 ब्लॉक हाई मैंने किया है। और अब हम लोग इसे 7 ब्लॉक दूर जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक्स हैं गाइस। इसको काउंट कर रहा हूँ मैं जो इधर पर बाउंड्री है। और गाइस इसका मैं एक स्क्वायर बना देता हूँ फिर आप लोगों से मिलता हूँ। और गाइस ये आप लोगों को मैं दिखाई, तो इधर पर से कुछ सीधा जा रहा है नीचे, तो कुछ इस तरीके का मैंने बनाया है। और अगर आप लोग काउंटिंग करना चाहें तो इधर पर 1 2 3 4 और 3 6, तो एक 6x6 का स्क्वायर बनाया है और इधर पर एक ब्लॉक है। तो गाइस आप लोग कुछ इस तरीके का बना लीजिएगा फिर आप लोगों से मैं मिलता हूँ। और इधर पर भी मैं बना देता हूँ पूरा एक स्क्वायर फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने बना दिया ये पूरा प्लेटफॉर्म। तो गाइस ये है पूरा 8 ब्लॉक्स दूर इधर से। और गाइस इधर से हम लोगों का 8 ब्लॉक दूर जाना है और हर डायरेक्शन में। और ये हम लोग का 4 ब्लॉक्स का 1 2 3 4 और 4 इधर पर। तो 4 into 4 + 8 तो गाइस ये 12x12 का प्लेटफॉर्म है और बीच में एक 4x4 का एक गड्ढा है। और इसमें 4x4 के गड्ढे में एक साइड में बिल्कुल कोने में एक ब्लॉक 20 ब्लॉक नीचे तक जा रहा है, मतलब 20 ब्लॉक नीचे। अब हम लोगों को इधर से एक ब्लॉक एक्सटेंड करना पड़ेगा, मैं भूल गया था गाइस। तो इधर पर गाइस एक ब्लॉक एक्सटेंड कर देते हैं हम लोग। तो गाइस मैं ये ब्लॉक एक्सटेंड क्यों कर रहा हूँ, तो गाइस ये ब्लॉक हम लोग एक्सटेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को बनानी है वॉल। और गाइस वॉल होनी चाहिए हम लोगों की 4 ब्लॉक्स टॉल, तो इधर पे 4 to 5 ब्लॉक्स टॉल। तो ऐसे हम लोग गाइस एक पूरा कर लेते हैं फिर आप लोगों से मिलता हूँ। जो 4 ब्लॉक हाई बॉल होगी और इसके ऊपर मैं लीव्स भी लगानी है एक ब्लॉक,
तो इतना मैं करता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस मैं आ चुका हूँ वापस, और मैं लेकर आया हूँ कुछ साइन बोर्ड्स वगैरह, और मैं लाइटर से आया हूँ गाइस, क्योंकि अभी तो मैं चला गया था सीधा जंप करके, और वाटर बकेट की MLG कर ली थी मैंने। तो अब हम लोग पहले तो बनाए थे एक साइन बोर्ड मुझे इधर पर लगाना है, दूसरा हम लोग को इधर पर। तो गाइस ये वाला साइन बोर्ड मैंने गलत लगा दिया है, तो इसको मैं तोड़ देता हूँ। इस वाले साइन बोर्ड को मुझे इधर पर लगाना है, और एक साइन बोर्ड इधर, दूसरा वाला साइन बोर्ड मुझे लगाना है इधर पर, और जैसी मैं इतना कर लूँ इधर पर डालना है मुझे लावा। और गाइस अभी ये चेक कर रहा हूँ, क्योंकि अगर रेवेंजर्स इससे नहीं मरते हैं तो एक ब्लॉक नीचे कर दूंगा, लेकिन गाइस मुझसे गलती हो गई है कि मैंने ये हाइट ज़्यादा कर दी है, 20 ब्लॉक की हाइट है इधर से, क्योंकि 20 ब्लॉक आई थिंक, तो गाइस 84। तो एक काम करते हैं गाइस, हम लोग चेक कर लेते हैं इधर पर, मैं वाटर डाल देता हूँ ऊपर, और सीधा जंप करते हैं हम लोग नीचे। और गाइस ये हम लोग 64, तो गाइस हम लोग 20 ब्लॉक ऊपर आए हैं। तो गाइस इधर पर गाइस मुझे ना कुछ करना पड़ेगा। ये हाई गाइस मैंने इसलिए बनाई थी जिससे कि गाइस उन लोगों को फॉल डैमेज भी मिले, लेकिन गाइस ये मुझसे गलती हो गई, इसे मुझे 50 ब्लॉक्स ही करना था। और इधर पर मैं गलती वाटर डालता हूँ, तो गाइस ये मैंने कर दिया। अब गाइस इधर पर गाइस अगर मैं नीचे करता हूँ गाइस लावा, तो आप लोग गाइस इसे 15 ब्लॉक कर दीजिएगा, तो गाइस थोड़ा सा उन्हें लावा से डैमेज मिल जाएगा, और फिर गाइस अच्छे से मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने बनाया तो मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ। तो गाइस आप लोगों को करना क्या क्या है, तो गाइस एक काम करता हूँ गाइस, आप लोग ऐसे करिएगा कि इसे 15 ब्लॉक कर दीजिएगा टॉल, उसके बाद बनाइएगा, और इसे आप लोग एक ब्लॉक नीचे कर दीजिए जहाँ पर ये साइन बोर्ड, इधर पर लावा कर दीजिएगा, तो आप लोगों का ये फॉर्म सही वर्क करेगा। या फिर एक काम कीजिएगा, एक साइन बोर्ड को इधर पर और एक साइन बोर्ड इधर पर लगा दीजिएगा, और जैसे मैंने लावा डाला ऐसे कर दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं ऊपर, और गाइस पहले तो साइड में मैं बना लेता हूँ एक इनफाइनाइट वाटर का सोर्स, क्योंकि गाइस हम लोगों को चाहिए वाटर बहुत सारा। तो एक लावा बकेट में, मतलब सॉरी वाटर बकेट एक इधर पर मैंने डाल दी है, दूसरी वाली बकेट में इधर पर डाल देता हूँ, और इधर से मैं जल्दी से वाटर कलेक्ट करता हूँ। और एक बकेट, एक सॉरी एक वाटर बकेट, तो वही इधर पर काम करता हूँ, मैं नीचे चला जाता हूँ। तो वही इससे मेरे पास जितने भी स्टोन है ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होंगे, क्योंकि वाले स्टोन बहुत अच्छे स्टोन लगते हैं फार्म वगैरह वगैरह बनाने के लिए। तो इधर पर आ चुके हैं हम लोग, और एक बकेट वाटर इधर पर डालते हैं, और बस अब हम लोग ऊपर आ जाते हैं, और वाटर को करते कलेक्ट, और वाटर को डाल देते हैं इधर पर। तो वही वाटर को इस तरीके से डाल देना, और साइन बोर्ड इसलिए लगाएगा इस जिससे वाटर नीचे ना जाए, तो कुछ इस तरीके का आप लोगों को बना देना है। और इधर पर भी आप लोगों को डालना है एक बकेट ऊपर, एक एक ब्लॉक लगाया गाइस, और ये 4 ब्लॉक टॉल है, तो 1 2 3 4, और इधर पर कोई भी स्पॉन नहीं होने वाला है, तो वो मैंने मेक श्योर किया है। तो अब इधर पर बाकियों को पर भी डाल देते हैं, और अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। और गाइस ये है हम लोगों के, इसलिए जिससे कि वाटर का जो फ्लो है वो बड़े सेंटर की तरफ, और सारे के सारे आए सेंटर में। तो इतना कर दिया गाइस मैंने। अब इधर पर गाइस वाटर की बकेट से मुझे चाहिए है एक बकेट गाइस बस, और गाइस एक ब्लॉक छोड़ कर डालना है वाटर को। तो गाइस मैंने पूरे में पानी भर दिया है, और गाइस कुछ इस तरीके का फ्लो होना चाहिए कि गाइस इधर पर आप लोगों को मैं लाइन से आप लोगों को दिख ही रही होंगी। एक बार गाइस मुझसे वाटर फ्लो थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ था, तो वो गलत चली। और गाइस एक काम करता हूँ मैं जल्दी से ट्राइडेंट कौन सा है, रिपटाइड वाला ट्राइडेंट लेना है मुझे, और इधर पर तो ओके गाइस हमारा काम क्योंकि ऊपर का हो चुका था, तो हम मैं नीचे आ गया हूँ। और गाइस ये रहा हम लोग अब जैसे मैं चाहता था, गाइस पूरा बना दिया है। एक काम करता हूँ गाइस लाइटर लेकर हम लोग वापस ऊपर जाने वाले हैं, तो इधर पर मैं राइड कर लेता हूँ, और चलते हम लोग सीधा इधर पर। मैं कैसे आया था वो भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। और गाइस ये ऊपर का काम हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया है, फार्म कुछ इस तरीके का लगने वाला है हमारा। और
गाइस ये थोड़ा सा लेयर मैंने बना दिए। तो गाइस मैं इधर पर जल्दी से ऊपर चढ़ता हूँ इस टावर के, क्योंकि मैं इस टावर से ही गया था मैं वहाँ पर। तो गाइस मैं वहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कैसे पहुंचा और भी चीज़ें, और ये मैं माइंड कार्ड भी कलेक्ट कर लूँगा क्योंकि एक ही माइंड कार्ड है, और फिर विलेजर को भी लेकर आना है। तो मैं एक काम करता हूँ, विलेजर को इसमें बिठाता हूँ और उसमें पहुंचाता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। मैं आ चुका हूँ और गाइस इधर पे एक हीरो ऑफ द विलेज आ रहा है, क्योंकि गाइस अभी मैंने की थी एक रेड जिससे कि मैं देख सकूँ फार्म क्या सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो गाइस ये फार्म बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो गाइस आज की वीडियो का जो एम है वो मेरा कंप्लीट हो चुका, और एक विलेजर भी आया है इधर पर, तो इसको ये मैं मार देता हूँ और इधर पर गाइस सामान दे देता हूँ। तो गाइस ज़्यादा कुछ नहीं है, तो गाइस ये है हम लोग का। और गाइस मैं अभी क्रिएटिव में कर लेता हूँ अपना सर्वाइवल। और गाइस अभी पहले तो एक काम करता हूँ, क्रिएटिव में जब जाता हूँ तो सारा फिर याद आता है, तो इसलिए पहले ही से कर लो और रिस्पॉन पॉइंट भी सेट कर लो। तो ओके आज सुबह हो जाने देता हूँ। और गाइस मैं अभी क्रिएटिव मोड में जा रहा हूँ जिससे कि मैं आप लोगों को पूरा दिखा पाऊँ। तो गाइस ये है पूरा 20 ब्लॉक टॉल, तो सब कुछ मैं दिखा देता हूँ। पहले क्रिएटिव मोड कर लेता हूँ मैं, तो इधर पर 1-2, फिर गेम मोड क्रिएटिव। तो गाइस मैंने गेम मोड क्रिएटिव कर लिया है, क्यों नहीं हो अभी तक, हाँ हो गया गाइस। तो गाइस ये रहा मेरा क्रिएटिव मोड, और इधर से लेकर गाइस हॉपर से लेकर 20 ब्लॉक टॉल जाना है हम लोगों को। तो ये हम लोग का 20th ब्लॉक, और 20 ब्लॉक के बाद फिर हम लोगों ने एक ब्लॉक बनाया जिसके अंदर 4 ओमेगा स्क्वायर, और ये लिफ्ट बना दी गई इस वाटर लिफ्ट जिससे कि हम लोग ऊपर आ पाएंगे, क्योंकि रेड स्टार्ट नहीं हो रही थी। और आप लोगों को विलेजर को यहीं पर रखना है, वरना रेड कहीं भी स्टार्ट हो जाएगी। एक विलेजर आप लोगों को उधर पर रखना ही है। मैंने एक बार सोचा था विलेजर नीचे रख दूँ, तो गाइस रेड होने गई थी जो ट्रैक है उस पर रेड स्टार्ट हो गई थी इसीलिए। तो गाइस रेड इधर पर ही स्टार्ट हो इसीलिए हम लोग को ये करना है। और फिर ये मैंने लावा डाल दिया था, आप लोगों को पता ही होगा, एक ब्लॉक ऊपर 1 और इधर पे 2 ब्लॉक, एक ब्लॉक इधर और एक ब्लॉक इधर मैंने तोड़ दिया जिससे कि रेवेंजर्स मरे और बाकी कोई ना मरे, इसलिए मैंने यह किया है। और इधर पे इससे ट्रेड भी कर ली थी मैंने, और उसके ऊपर ग्लास के ऊपर लीफ लगा दीजिएगा जिससे कि कोई भी अट्रैक्ट ना हो, और वर्क स्टेशन जरूर रखे जिससे डिस्पॉन ना हो। और गाइस इधर पर लिफ्ट मैंने बना दी थी, अगर आप लोग नॉर्मल वर्ल्ड में बना रहे हैं ये तो आप लोगों को लिफ्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेड ऑटोमेटिकली अच्छे से सही जगह ही होगी। तो इधर पर से हम लोगों को ऐसे जंप करना पड़ता होगा, इस फॉल डैमेज इतना नहीं पड़ता है मुझे। और ये वाटर लिफ्ट बना दी थी गाइस। तो गाइस अब मैं कर लेता हूँ गेम मोड सर्वाइवल पे। तो गेम मोड सर्वाइवल, तो इस गेम मोड सर्वाइव कर लिया। अब राइड पे क्लिक करते हैं और जल्दी से हम लोग बैड वुमन का इफेक्ट लेते हैं, और मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ क्या कैसा वर्क कर रहा है जब तक हम लोग पहुँचे। तो हम सामान एक साथ कर लेता हूँ, तो गाइस बहुत देर क्या, यानी कि 2 रेड गाइस कंप्लीट हो गई हैं, और गाइस मुझे मिल गई एक टोटम ऑफ अनडाइंग। और गाइस 1-2 और इवोकर हुए थे, मतलब आए थे, और तो गाइस वो इवोकर्स मर गए गाइस लावा में, और लावा में उनकी टोटम ऑफ अनडाइंग गिर गई। लेकिन गाइस ये अच्छे से वर्क कर रहा है। तो गाइस इसे अगर आप लोगों को अच्छी लगी वीडियो तो जल्दी से वीडियो कर दीजिए लाइक, एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और गाइस इससे बढ़िया एक और रेड फार्म मैं बनाने वाला हूँ जो कि होगा ड्रीम लैंड्स में। जैसे ही हम लोग उसका ट्राइडेंट फार्म बनाएंगे, हम लोग पहले उसके बाद बनाएंगे क्योंकि उसमें ट्राइडेंट किलिंग चैम्बर होगा, तो एफके करना पड़ेगा। तो गाइस अगर आप लोगों को ज़्यादा कॉन्टेंट अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक, एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।